इस वक्त मैं इस क्रेन पर सवार होकर यहाँ पर पहुँचा हूँ और ये जगह है सोना रोड हाईवे। और इस हाईवे की स्थिति क्या है वो जब हम क्रेन से नीचे उतरेंगे और आप तस्वीरें देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हम इस पानी में इस क्रेन से नीचे उतरे और आप देख सकते हैं कि जैसे ही नीचे उतरे घुटने से नीचे तक मैं पानी में डूब चुका हूँ। और यहाँ पर जल जमाव की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि सामने एक रिहायशी कॉलोनी भी है और वहाँ से जो गाड़ियाँ निकलने की कोशिश कर रही हैं उनके क्या हालात हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि सामने एक गाड़ी फंस गई है, एक महिला उसमें बैठी हुई है और उस गाड़ी को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो और तमाम लोग हैं जो कि मदद करने में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात गुड़गांव में देखने को मिल रहे हैं। तमाम लोग हैं जो कि लोगों की मदद भी कर रहे हैं और सामने देख सकते हैं कि इन गाड़ियों को पानी से निकाल कर बाहर खड़ा किया गया है। तो ये इस तरह की स्थिति, हालांकि इस रोड को प्रशासन ने परिचालन के लिए बंद किया हुआ है लेकिन वहाँ पर कोई रोकने के लिए खड़ा नहीं है, सिर्फ एक बैरिकेडिंग की गई। उस बैरिकेडिंग को पार करके लगातार गाड़ियाँ अंदर आती हैं, वो इस सड़क को पार करने की कोशिश करते हैं और फिर रास्ते में ही फंस जाते हैं। सामने भी आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आप देखेंगे मोटरसाइकिल इसमें बंद हो जा रहे हैं क्योंकि पानी में पूरा इंजन डूब जा रहा है। और सामने भी आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग जा रहे हैं उनकी गाड़ियाँ वाहन बंद हो जा रहे हैं पानी में घुसने के कारण और उनको इस तरीके से जाना पड़ रहा है। तो ये हालात यहाँ पर गुड़गांव में होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम ये तस्वीरें साबित करती हैं कि मौसम विभाग का जो ऑरेंज अलर्ट है वो कहीं ना कहीं गुड़गांव के लिए कम से कम रेड अलर्ट की तरह साबित हो रहा है क्योंकि ये वाकई खतरनाक है। एक दिन की बारिश में अगर ये हालात हैं तो आने वाले दिनों में भी और बारिश होनी है और उसके बाद हालात क्या होंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए वीरेंद्र मौर्या के साथ गुरुग्राम से मैं अभिजीत ठाकुर।